बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम दारे अरकम स्कूल। वेलकम इन साइंस लेक्चर। आई एम योर टीचर मिस अदीला। रिवाइज आवर प्रीवियस लेक्चर। वी हैव डिस्कस आवर बॉडी, आवर स्केलेटन। वी हैव लर्न दैट ह्यूमंस हैव 206 बोन्स एंड बोन्स मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। बिफोर नेक्स्ट रीडिंग्स द टिप ऑफ योर पेंसिल शुड बी शार्प फॉर आंसर क्वेश्चन। Students, now we are going to page number 2. Question number 1, name the five senses. हमने five senses यहाँ write करनी है। आप already five senses के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। Touch, taste, smell and see, hearing. अब स्टूडेंट्स, ये आपके सेंस ऑर्गन है। हमने क्वेश्चंस में सेंस ऑर्गन्स के बारे में नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चंस में सेंसेस के बारे में पूछा है। हम यहाँ पे सेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट सेंस इज साइट, साइट एस आई जी एच टी, साइट। एंड वी कैन स्मेल बाय नोज। सेकंड सेंस इज स्मेल, एस एम ई डबल एल। एंड वी कैन हेयर बाय ईयर्स, सो हेयरिंग एच ई ए आर आई एन जी, हेयरिंग। वी कैन टेस्ट बाय आवर टंग, सो नेक्स्ट इज टेस्ट, टी ए एस टी ई, टेस्ट। And last we can feel and touch by our skin and hands, touch, T O U C H, touch. Next question, what is a skeleton? Skeleton किसे कहते हैं students? Skeleton क्या होता है? हमारे आपकी book के ऊपर बना हुआ है skeleton। ये हमारा skeleton है जो कि bones से बना होता है। सो आंसर, हमारे बोन्स के साथ हमारा स्केलेटन बना होता है। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक आवर स्केलेटन। हम इसका आंसर राइट करेंगे, द बोन, टी एच ई, द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हमने अपनी रीडिंग्स में भी पढ़ा था कि स्केलेटन हमारी बोन्स से मिलकर बनता है। बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक आवर स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ढांचा। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, बी और डी वाई बॉडी, मेक आवर स्केलेटन, मेक आवर स्केलेटन। स्केलेटन एस के ई एल ई T O N, skeleton, skeleton ढांचा। हमारी बोन्स हमारा skeleton बनाती हैं। Next, why do we need muscles and joints? हमें muscles and joints की जरूरत क्यों पड़ती है students? हमारे muscles और joints जो हैं, उनकी वजह से ही हम move कर सकते हैं। Joints क्या होता है? When two bones meet, that is called joints. और मसल्स क्या होते हैं? जो उसके ऊपर हमारे लगे हैं, लाइक ये जो मीट लाइक होता है, दैट इज आवर मसल्स। तो व्हाई डू वी नीड आवर मसल्स? हमें अपने मसल्स और जॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें मूव करने के लिए वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स टू मूव आवर बॉडी। फर्स्ट पार्ट तो आपका ऊपर क्वेश्चन से ही आ जाएगा। क्वेश्चन में है ना, वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स। सो आपका फर्स्ट पार्ट जो स्टार्टिंग आंसर का है, वो ऊपर क्वेश्चन से ही आप देख राइट कर सकते हैं। वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स, जे ओ आई एन टी एस, वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स टू मूव आवर बॉडी। ये हमने याद करना है, टू मूव आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए। हमने रीडिंग में पढ़ा था ना, जंपिंग करने के लिए, रन करने के लिए, चीजों को उठाने के लिए हमें अपने बोन्स की,
मसल्स की और जॉइंट्स की जरूरत है. ओके स्टूडेंट्स, आपने योर पेंसिल टिप शुड बी शार्प एंड योर राइटिंग शुड बी नीट. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर.